तो गाइस सराउंडिंग द हेवन सीरीज के एपिसोड की शुरुआत में हमें बैंगबो को दिखाया जाता है जो कि अब याफैन और उसके दोस्तों के पास में आ चुका था और वो उन लोगों से कहता है कि मैं इस कॉफिन के बारे में जानना चाहता हूं कि आखिर ये क्या चीज है, जिसके बारे में पता लगाने के लिए याफैन और बैंगबो दोनों ही जाने लगते है। लेकिन तभी अचानक से ही उसके अंदर कुछ अजीब सी हलचल होने लगी थी, क्योंकि अब ये सभी के सभी ड्रैगन मल्टीवर्सल ट्रेवल करते हुए एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करके किसी एक अलग ही यूनिवर्स में आ जाते हैं। और जिस तरीके से वो सभी सभी माउंट ताई पर टकराए थे, ये यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से टकरा जाते हैं, जिससे कि उसके अंदर मौजूद सभी के सभी लोगों को एक बहुत ही बड़ा झटका भी महसूस होता है, जिसके बाद फिर वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल अपने आप ही बंद भी हो जाता है। याफैन और बैंगबो देखते हैं कि अब उस कॉफिन डायमेंशन के अंदर कुछ अजीब सी लाइटनिंग चमकने लगती है, साथ ही जो सभी के सभी चट्टाने जुड़ी हुई थी वो भी अब अलग हो जाती है, जिससे की उन लोगों को समझ में नहीं आता की अब आखिर यहाँ पर क्या होने वाला है। क्योंकि अगले ही पल वो सभी के सभी लोग यहाँ से टेलीपोर्ट होकर उस कॉफिन के बाहर पहुंच जाते हैं, जिससे कि वो लोग और भी ज्यादा परेशान होने लगे थे। तभी एक बंदा कहता है कि कहीं हम लोग अभी तक उसी कॉफिन के अंदर ही तो नहीं है। याफैन कहता है कि उस पोर्टल की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं और वैसे मैं इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानता कि ये खतरनाक है या नहीं। तभी लिव यहाँ पर सभी लोगों से कहने लगता है कि ये तो बेकार का इंसान है, अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ में चलो। तो फिर बैंगबो यहाँ पर याफैन से कहता है कि हम सभी लोगों को साथ में रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने यहाँ पर कौन सा खतरा कहाँ से हमारे सामने आ जाए। इसीलिए वो सभी के सभी एक साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर प्राचीन भाषा में लिखे हुए कुछ शब्द नजर आते हैं, जिनको जो और याफैन दोनों ही पढ़ने लगते हैं, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि अब वो लोग धरती पर नहीं बल्कि किसी और ही ग्रह पर आ चुके हैं, जिसकी वजह से फिर लिन के साथ साथ बाकी लोगों को भी बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था। तभी अचानक से एक बंदा वहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिसको बचाने के लिए बैंगबो और याफैन जाते हैं, जिससे कि फिर वो सभी के सभी लोग उसको वहाँ से बचाकर बाहर भी निकाल लेते हैं। तभी एक बंदा याफैन से कहता है कि क्या तुम हमें यहाँ से वापस वहीं पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये जगह मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। जिसके लिए फिर याफैन और बैंगबो दोनों ही एक ऊंची जगह पे चले जाते हैं, जहाँ से उन्हें एक लाइट नजर आती है। इसीलिए फिर सभी के सभी लोग उसी तरफ भागने लग जाते हैं। याफैन बैंगबो से कहता है कि हम दोनों जा तो रहे हैं, लेकिन हमें ही सबसे ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक छोटे साइज के इविल क्रिएचर्स पाए जाते हैं। उन लोगों को आगे बढ़ते हुए एक बुद्धा हेड भी डला हुआ नजर आता है, और जहाँ से वो लाइट चमक रही थी उसके नीचे दरअसल होता है एक टेम्पल। इस जगह को देखकर उन लोगों के मन में अभी भी यह सवाल था कि आखिर यहाँ पर ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से ये सारी की सारी जमीन बंजर पड़ी हुई है। याफैन चलते हुए यहाँ से एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर पहुँच जाता है, जहाँ पर डला हुआ उसको एक छोटा सा स्टोन नजर आता है। तभी बैंगबो याफैन से कहता है कि भाई मुझे बताओ आखिर ये कौन सी जगह है। याफैन उस लिटिल स्टोन को रखते हुए बैंगबो से कहने लगता है कि यहाँ के साम्राज्य की स्थापना आज से 2500 साल पहले हुई थी, जिसे कबीर के राजा के बेटे ने कराया था, क्योंकि वो जानते थे कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे ही की थी। और कबीरा प्राचीन काल में पाए जाने वाले एक हेवनली एविस का नाम है, जिससे कि उन लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा तो आइडिया हो ही जाता है। बैंगबो और याफैन उस मंदिर के दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं, जिसको खोलने पर उन्हें सैकड़ों साल पुरानी सभ्यता के बारे में पता चलता है। वो सभी के सभी लोग ही उसी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर काफी पुरानी पुरानी मूर्ति भी बनी हुई थी, साथ ही उन्हें वहाँ पर डली हुई कुछ मोमबत्तियां भी नजर आती है, जिसकी मदद से वो लोग थोड़ा सा तो उजाला कर भी लेते हैं। साथ ही साथ उन लोगों को वहाँ पर कुछ एंशियंट डीमन गॉड की मूर्तियां भी नजर आती हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक और मूर्ति नजर आती है, जिसके बारे में बताते हुए याफैन कहने लगता है कि ये पुराने समय के कबीरा किंगडम के महान जनरल की मूर्ति है, जो कि हमेशा ही कबीरा के प्रिंस के साथ में रहता था, ताकि उस पर अटैक करने वाले डीमन से वो उसकी हमेशा ही रक्षा कर सके। और वो सभी के सभी चलते हुए मेन सेंटर में भी आ चुके थे, जहाँ की मोमबत्तियाँ आज भी सैकड़ों साल के बाद भी जल रही है, क्योंकि असल में वहाँ पर उनके गॉड होते हैं लॉर्ड बुद्धा। तभी याफैन को अपने सामने रखी हुई एक एंशियंट लैंप नजर आती है, जिसको वो जैसे ही उठाता है उसके अंदर के उसे काफी सारे मंत्र उच्चारण सुनाई देने लगते हैं, जो कि इस दुनिया से अंधकार को मिटाने के लिए बनाए गए थे। लेकिन तभी अचानक से ही वहाँ पर एक लड़की चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर एक खतरनाक छोटे से लिटिल क्रिएचर ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी वही पर मौत हो जाती है। और वो जैसे ही बैंगबो पर अटैक करने वाला था, याफैन उसे उसी लैंप से मार डालता है। बैंगबो याफैन से कहता है की आखिर ये क्या खतरनाक चीज है, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि यहाँ पर उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है, क्योंकि तभी वो अचानक से ही कुछ और लोगों के ऊपर भी अटैक करने लगे थे, जिससे कि फिर थोड़े ही देर में वो भी यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाता है। तभी बैंगबो वहाँ से एक लकड़ी को उठाकर उन क्रिएचर्स को मारने लगता है, लेकिन उनको केवल जादुई हथियारों से ही मारा जा सकता था। इसलिए याफैन सभी लोगों से कहता है की यहाँ पर जितने भी जादुई हथियार पड़े हुए है उन सभी को उठा लो, क्योंकि उन लिटिल क्रिएचर्स की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी, और उन सभी को यहाँ पर जो भी मैजिक
वेपन मिलता है वो सभी को उठाते हुए उन लिटिल डीमन क्रिएचर्स को मारने लगते हैं, जिसको जहाँ पर जो भी वेपन नजर आता है वो उसी का यूज करने लगे थे, क्योंकि अब बात उन सभी की जान पर आ गई थी। तभी एक क्रिएचर जैसे ही लीजिया को मारने वाला था, उसको बचाने के लिए वहाँ पर जो आ जाता है। यहाँ तक कि एक बंदा तो अपनी जान बचाने के लिए एक गर्ल से उसका मैजिक वेपन छीनने लगा था, लेकिन पैंगबो उसको अच्छी तरीके से सबक सिखा देता है। लेकिन अब वो लिटिल क्रिएचर्स पहले की तुलना में दुगने हो चुके थे, और उनमें से एक जैसे ही लिन के ऊपर अटैक करने वाला था, उसको बचाने के लिए तुरंत ही उसके सामने आ जाता है याफैन, और वो सभी लोगों से कहने लगता है कि एक दूसरे से मैजिक वेपन को छीनना बंद करो, बल्कि सभी लोग एक साथ में मिलकर ही इनका सामना करो, जिससे कि अब वो खुद को बचाने के साथ साथ एक दूसरे को भी बचाने लगे थे। लेकिन उन लोगों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अब उनके साथ में यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टेम्पल अपने आप ही हिलने लगा था, जो कि नीचे जंजीरों से बंधा हुआ है, जिससे कि इन डीमन क्रिएचर्स की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ में एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आया जाएगा।